दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाने जा रहा हूं। मेरे सामने यहां पर देखिए ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन है। अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चाहे आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करें या निफ्टी 50 में करें या फिर निफ्टी में करें, आप किसी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग करें, सभी में स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका मैं बताने वाला हूं सभी में सेम है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कैसे स्टॉप लॉस लगता है इसलिए एक यहाँ पर ऑप्शन खरीदने जा रहा हूँ। अब वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि वही आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो का है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगता है वो बताना है। तो फिलहाल मान के चलिए यहाँ पर 6147 पर बैंक निफ्टी अभी चल रही है। मान के चलते हैं कि मेरा यहाँ पर जो व्यू है वो ये है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली, काफ़ी देर से जो नीचे गिर रही है। तो मैंने यहाँ पर बैक किया, मैंने इसके ऑप्शन चेन पर आया और मैं रैंडम यहाँ पर एक ऑप्शन को ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। और मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर जाने वाली है तो मैं यहाँ पर जो है एक कॉल ऑप्शन में इसे बाय कर लेता हूँ। तो मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है 6300 को जो है यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ। कितने 1506 रुपये की रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने यहाँ पर जो है सिंपली बाय पर क्लिक करा और ये बाय हो गया। ओके, मैंने डन पर क्लिक कर दिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अपनी पोजीशन पर आ चुका हूँ। पोजीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, कभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है कभी मुझे लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर जब देखिए हमारी जो बैंक निफ्टी है ऊपर की तरफ जाएगी तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी और नीचे आएगी तब मुझे यहाँ पर लॉस होता हुआ नज़र आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होता है वो आपके लॉस को जो है एक लिमिट तक करने के लिए, एक कंट्रोल में करने के लिए लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा। और ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 92.35 में बैंक ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये चल रहा है। तो इसमें मान लीजिए मैंने ये सोचा कि अगर इसका प्राइस जो है गिरते गिरते 70 रुपये आ गया तो मैं इसे सेल कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 70 डाल दिया, मैंने यहाँ पर 70 डाल दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर टारगेट का भी ऑप्शन है कि मतलब आप मान के चलिए कि जैसे 92.95 ये चल रहा है और आप ये मान के चलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना 92.95, 10 पैसे, 45 पैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। अब हम मान के चलते हैं कि अगर इसका प्राइस जो है वो इतने से यानी कि 92.93 रुपये से बढ़ के 110 रुपये तक आ जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, 110 रुपये यहाँ पर टाइप कर देना है। स्टॉप लॉस में क्या डालना है, जितने से मार्केट अभी चल रही है उससे नीचे के प्राइस पर जितने भी आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस ना हो वो प्राइस आपको डालना है। जैसे मैंने 92 रुपये में चल रहा है तो मैंने यहाँ पर डाला कि भैया 70 रुपये तक अगर ये आ जाए तो ये अपने आप जो है यहाँ पर एग्जिट हो जाए, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाए ताकि मेरा मैक्सिमम लॉस ना हो पाए। सिर्फ 70 रुपये तक जो मुझे मतलब 20 रुपये पर शेयर पर मैं सिर्फ 20 रुपये का लॉस यहाँ पर मोटा माटी झेलना चाहता हूँ। और टारगेट में मैंने ये देखा कि अगर जो है 94.95 रुपये में चल रहा है तो अगर इसका प्राइस जो है बढ़कर 110 रुपये हो जाता है तो ये मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो इस एक ही ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको जो सेल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखिए सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आप इसके बाद डन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है अब आप यहाँ अपनी पोजीशन पर आएंगे, देखिए मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, 28-30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट मेरा और भी बढ़ सकता है। अब जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया है वो कहाँ से देखना है, आपको ऑर्डर्स पर आना है। ऑर्डर्स पर आने के बाद देखिए यहाँ पर GTT ऑर्डर में आपको एक दिख रहा है, यहाँ पर मैंने देखिए एक यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, आप देख सकते हैं 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है और टारगेट ऑर्डर मैंने जो लगाया वो 110 रुपये का लगाया और अभी क्या चल रहा है 94.50 रुपये चल रहा है। तो इस तरीके से जैसे अगर इसका प्राइस गिरते गिरते 70 रुपये तक आया तो ये मेरा जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और ये मेरा एग्जिट हो जाएगा, मतलब सेल हो जाएगा। और अगर इसी का जो प्राइस है 94.90-95 जो चल रहा है उससे अगर बढ़कर 110 रुपये तक आएगा तो मुझे यहाँ पर जो है अपने आप ये 110 रुपये पर जैसे ही पहुँचेगा मेरा टारगेट ऑर्डर हिट हो जाएगा और ये अपने आप ही सेल हो जाएगा, मुझे यहाँ मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने अपने जो लॉस को भी एक लिमिट कर लिया है और अपने प्रॉफिट को भी हमने एक लिमिट तक कर लिया है। इसमें क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर जो होता है ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिलहाल अगर हम अपनी पोजीशन पर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन को जो है बाय किया है, तो मतलब यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है।
तो आज की इस वीडियो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।